हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर 2021। बात करेंगे इस वीडियो पे टेक्सटाइल सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर। आज की डेट में बढ़िया एक न्यूज़ आया है ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर होल्डर के लिए, और उसके साथ साथ टोटल 3 अपडेट आप लोगों को देना है ट्राइडेंट के ऊपर। तो चलिए, इस वीडियो में हम सबसे पहले हम न्यूज़ एंड जो अपडेट्स है उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद ट्राइडेंट के ऊपर आज की दिन पे बेसिस करके क्या आपका स्ट्रेटजी हो सकता है, शेयर के अंदर क्या खरीदारी करना सही रहेगा या नहीं, इसके ऊपर भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये 4 चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर 2021। बात करेंगे इस वीडियो पे ट्राइडेंट लिमिटेड, टेक्सटाइल सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी, मल्टीबैगर रिटर्न भी दिया है लास्ट कुछ टाइम से ट्राइडेंट लिमिटेड। आज की डेट पे एक बहुत ही शानदार जबरदस्त न्यूज़ आया है शेयर होल्डर के लिए, और उसके साथ साथ टोटल 3 अपडेट्स आपको मैं दूंगा। चलिए, एक एक करके हम अपडेट्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि जैसे कि हर कोई कंपनीज़ का अभी Q2 का रिजल्ट आउट हो रहा है। जैसे कि आज के दिन पे डीमार्ट का आउट हुआ, उसके साथ साथ HDFC बैंक का आउट हुआ, तो उसके साथ साथ दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड का भी Q2 का रिजल्ट आउट होने जा रहा है अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों, इस बार ट्राइडेंट लिमिटेड की मैनेजमेंट ने डिविडेंड देने की फैसला लिया है अपने शेयर होल्डर के लिए। तो देखिए, फाइनेंशियल रिजल्ट यानी Q2 का रिजल्ट और साथ में डिविडेंड, और डिविडेंड की अगर हम मामले में बात करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड बहुत ही तगड़ा डिविडेंड देते हैं। तो इसके पहले की अगर हम बात करें तो देखिए, लगभग 36 पैसे का डिविडेंड था, बट तब शेयर प्राइस भी बहुत कम था। तब 12-13 रुपए का शेयर प्राइस चल रहा था, 36 पैसे का डिविडेंड दिया था, यानी काफ़ी सॉलिड डिविडेंड दिया था अपने शेयर होल्डर्स को। तो इस बार दोस्तों डिविडेंड थोड़ा सा ज़्यादा देने का चांस है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शेयर प्राइस भी बढ़ चुका है, कंपनी भी ह्यूज ग्रो कर रहा है, साथ में कंपनी ने अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड किया, तो इस बार प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, और प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो यहाँ पर डिविडेंड आने का भी काफ़ी अच्छा खासा चांस है, अच्छा खासा देने का। तो 21 अक्टूबर दोस्तों ध्यान रखना और पेपर पेन में लिख लीजिए, जब भी रिजल्ट आउट होगा 21 अक्टूबर के दिन, तुरंत मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा Q2 का रिजल्ट, साथ में डिविडेंड का नोटिस। तो दोस्तों, आप में से बहुत लोग यहाँ पे वीडियो को देख लेते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हो चैनल के, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे, मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा, तो जिस कारण सब्सक्राइब जरूर करके रखना दोस्तों, क्योंकि जब भी रिजल्ट आउट होगा कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं तुरंत आपके साथ वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले ये तो हमने अपडेट देख लिया। दूसरा अपडेट दोस्तों, लास्ट डे ह्यूज हमें डिलीवरी देखने को मिला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट कुछ टाइम से अगर हम देखें दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर बहुत ज़्यादा हमें आप बोल सकते हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग या डिलीवरी कम दिखाई दे रहा है। अगर अपर सर्किट लग रहा है तो उस केस में बात अलग है, बट अगर नॉर्मल ट्रेड कर रहा है तो उसमें डिलीवरी बहुत कम हो रहा था। बट लास्ट डे की अगर हम बात करें तो देखिए, लगभग 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ 21 लाख शेयर टोटल डिलीवरी उठाए जा चुका है। इसके मतलब दोस्तों ये है कि देखिए, लास्ट डे भले ही हल्का फुल्का यहाँ पे नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट उसके साथ साथ दोस्तों आपके ये भी ध्यान में होना चाहिए कि लास्ट डे काफ़ी अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा चुका है, यानी मंडे जब बाजार ओपन होगा इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा तेज़ी देखने का चांस है। नेक्स्ट जो अपडेट है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार अपडेट है। ये देखिए, ये एक पूरा का पूरा नोटिस ट्राइडेंट की तरफ से ही भेजा गया है, तो बेसिकली नोटिस आपके सामने है। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ट्राइडेंट लिमिटेड अभी कार्बन एमिशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। कार्बन एमिशंस मतलब जो कि आप बोल सकते हो पॉल्यूटेड गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इस टाइप का। देखिए, ट्राइडेंट हैज़ बीन वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री इन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चर ओवर द 3 decades, स्टार्टिंग विथ विट स्ट्रॉ पेपर, एंड द कंपनी हैज़ नाउ अनाउंस्ड द कमीशनिंग ऑफ 7.6 megawatt सोलर पावर प्लांट एट बूंदी, मध्य प्रदेश। तो बूंदी मध्य प्रदेश के अंदर ट्राइडेंट ने टोटल 7.6 megawatt सोलर पावर प्लांट करने जा रहा है। मूविंग टावर्ड जेनर प्लांट एंड द ग्रुप एम्स टू यूज रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। कार्बन एमिशंस मतलब देखिए, जो जब बड़े बड़े प्लांट चलता है ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूटेड गैस वगैरह है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस टाइप का जो पॉल्यूटेड गैस है वो निकलता है। तो ये अगर शिफ्ट कर जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर पावर एनर्जी की तरफ, तो उस केस में क्या होगा, जो
पॉल्यूटेड गैस है वो आउट नहीं होगा, क्योंकि कम्प्लीटली वो रिन्यूएबल तरीके से चलेगा, ग्रीन एनर्जी से हम बोला जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि इस टाइप की दोस्तों जब कंपनी प्लांट करते हैं तो उसका जो एक्सपेंसेस है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है शेयर होल्डर के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है कि लास्ट डे जब गिरा था शेयर प्राइस हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरा था क्योंकि लगातार इसके अंदर हमें अपर सर्किट देखने को मिला था, उसके बाद लास्ट डे यानी थर्सडे के दिन में हल्का फुल्का गिरा था। अब ये गिरावट के साथ साथ दोस्तों ये कहाँ तक गिर सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है इन्वेस्टर्स के दिमाग में। और दूसरी पॉइंट, क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए इसी मोमेंट पर या नहीं, या होल्ड करना चाहिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों देखिए, ध्यान से सुनना और ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को। सबसे पहले इसका RSI इंडेक्स जो लास्ट डे हल्का फुल्का गिरावट के साथ साथ जो कि फिर भी हाईली ओवरबॉट जोन पे चल रहा है, इसके पहले भी देखिए 85-86 के आसपास चल रहा था, आज की डेट पे 81-82 के आसपास चल रहा है। तो देखिए सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल है ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर वो है 85 रुपीज़ का लेवल, सॉरी 35 रुपीज़ का लेवल। ठीक है, क्योंकि ये जो 35 या 30 या आप बोल सकते 40 ये जो लेवल्स होता है ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छा बेंचमार्क होता है। इसके पहले भी हमने देखा था, क्या देखा था देखिए, शेयर में जब तेज़ी आया था तो ये जो 35 रुपीज़ का लेवल है यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया था शेयर, उसके बाद देखिए इसके अंदर हल्का करेक्शन हुआ था, राइट। तो ये जो 35 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस पॉइंट था शॉर्ट टर्म के लिए, उसको क्रॉस कर जाने के बाद देखिए शेयर अभी 40 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, और नीचे की दरवाजे अगर हम बात करें तो लास्ट डे क्लोजिंग दिया 38.45 पे। तो आपका दोस्तों जो बाइंग लेवल होगा वो होगा 37.5, जी हाँ 37.50 रुपये के आसपास आने पे आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ध्यान देना शॉर्ट टर्म का स्टॉक है नहीं, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते शेयर के अंदर, थोड़ा कंसोलिडेशन फेज भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि इसके पहले भी हमने देखा था कि ट्राइडेंट के शेयर में ऐसे जब जंप आता है करेक्शन होने के बाद, इसके अंदर थोड़ा लॉन्ग टाइम से लगभग 1-1.5 महीने कंसोलिडेट करता है, उसके बाद देखिए शेयर में लगातार जब रफ्तार पकड़ के ऊपर की तरफ बढ़ा, क्योंकि कंपनी ने अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा था, तो ये इसके पीछे यही रीज़न था। उसके बाद देखिए शेयर ने धीरे धीरे जब जब जंप लगा रहा, फिर से नया हाई टच किया, फिर से करेक्शन, देखिए फिर से जंप, हल्का करेक्शन, फिर से जंप। अभी जो करेक्शन होगा, जो लेवल्स मैंने आपको बताया दोस्तों, ये लेवल्स आपको दिमाग में होना चाहिए, और धीरे धीरे इसी लेवल पर आने के बाद ही आप शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना, क्योंकि जब बात आता है लॉन्ग टर्म का, इस टाइप की स्टॉक आपको ज़बरदस्त रिटर्न कमा के दे सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ट्राइडेंट का ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड रखता है अपने जो कि बिजनेस को, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कोई सिंगल सेक्टर नहीं, अलग अलग सेक्टर में बिजनेस करता है, जैसे कि रिलायंस का भी है आपने देखा होगा। तो इस टाइप की कंपनी दोस्तों बहुत ज़्यादा कम चांस है आपका पैसा डूबने का, तो जिस कारण मैं आपको बोल रहा हूँ धीरे धीरे शेयर के अंदर पिक कीजिए। जो लेवल्स मैंने आपको अभी बताया 37.5, बट हाँ आपके अंदर पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी जरूरत हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, शेयर गिर भी सकता है, शेयर भाग भी सकता है, बट अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का आपके अंदर पेशेंस है तो इस टाइप की स्टॉक आपको ज़बरदस्त रिटर्न कमा के दे सकते हैं। देखिए लास्ट एक साल में 400% के ऊपर रिटर्न दे चुका है शेयर, ठीक है, और स्पेशली लास्ट कुछ दिनों में एक महीना की अगर हम बात करें तो 64% से सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, 5 साल की बात करें तो देखिए 550% का रिटर्न दिया, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए 7,500% के आसपास रिटर्न दिया, मतलब कंपनी रिटर्न्स के मामले में बहुत ही तगड़ा रिटर्न पे करता है। तो जिस कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि न्यूज़ भी काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है, 21 अक्टूबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है शेयर होल्डर के लिए, आप बस चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।